एक समय की बात है, एक शिप डूब जाती है। उस डूबते हुए शिप में से कोई नहीं बचता सिवाय एक अंकल और आंटी के, और वो एक छोटे से आइलैंड पर फंस जाते हैं। तभी वहाँ उनका बेटा बोट लेकर पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन यह है कि उस बोट पर सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है उस लड़के के साथ। वो लड़का समझ नहीं पा रहा था कि उसे अपनी मॉम को लेकर जाना चाहिए या फिर अपने पापा को या फिर वहाँ पर पड़े ढेर सारे रुपयों को। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो जरा ध्यान से सोचिए और आपका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। इस सवाल का जवाब सभी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम आपको इसका एकदम सिंपल और सीधा जवाब बताते हैं। इस बोट पर सिर्फ दो ही लोग जा सकते हैं, तो भाई आप उस आइलैंड पर रुक जाइए और अपने मम्मी पापा को उस बोट के साथ भेज दीजिए। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में आपने क्या हल निकाला था, तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, पजल नंबर 2 में आज आपको एक सिंपल मैथ पजल सॉल्व करनी है, तो इसे जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये थोड़ी टफ होने वाली है। आपके सामने एक पिक्चर आई है, तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो भाई थोड़ा सा अपना मैथ का दिमाग लगाइए और इस पजल का सही जवाब दीजिए। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आपने अपने मैथ का इस्तेमाल किया था क्या, कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा? नहीं पता, तो चलिए इसका जवाब हम बताते हैं। अगर आप पहली इमेज को ध्यान से देखोगे तो 4 × 4 = 16 हो जाएंगे और -4 करेंगे तो 12 हो जाएंगे। वैसे ही सेकेंड वाली इमेज में 5 × 2 = 10 हो जाएंगे और -1 करेंगे तो 9 हो जाएंगे। तो अब लास्ट वाली इमेज में 8 × 2 = 16 हो जाएंगे और -9 करेंगे तो 7 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 7 आएगा। दोस्तों, वैसे आपने क्या जवाब सोचा था, तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, पजल नंबर 3 में आज हम आपसे एक बहुत ही हार्ड इंटरव्यू क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो इसे जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप में से 99% लोगों को इसका जवाब नहीं आएगा। तो देखते हैं भाई कि आप में से कितने लोग इसे सॉल्व कर पाते हैं। एक घर है जिसकी 4 दीवारें हैं, उस घर की सारी दीवारें साउथ की तरफ फेस करती है और हाँ, सभी दीवारों पर एक एक खिड़की भी है। एक दिन किसी एक खिड़की पर एक भालू आ गया, तो अब आप हमें बताइए कि वह भालू कौन से कलर का है। तो दोस्तों, है ना यह थोड़ा अजीब सवाल, इसलिए तो यह इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो भाई आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इस सवाल का सही जवाब दीजिए।
चलिए दोस्तों इसका जवाब देखते हैं। इसमें तो बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाने का था। वह भालू सफेद कलर का है क्योंकि वो पोलर बियर है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये क्वेश्चन ही गलत है, इसका आंसर ही पॉसिबल नहीं है। चलिए अब हम इसे अच्छे से समझते हैं। कोई भी चीज किसी एक दिशा में होती है और हम उसके उल्टे डायरेक्शन में खड़े होते हैं तो हम ऐसे ही कहते हैं ना कि वो देखो वो घर जो ईस्ट की तरफ है, अब वो पूरा घर ईस्ट में है तो उस घर की सारी चीजें और दीवारें भी तो ईस्ट में ही होंगी ना। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि उस घर की सारी दीवारें साउथ की तरफ फेस करती है, तो यानी कि वो पूरा घर नॉर्थ में है और अर्थ का नॉर्थ नॉर्थ पोल होता है और नॉर्थ पोल में सफेद भालू दिखाई देते हैं। दोस्तों इंटरव्यू क्वेश्चन तो बहुत ही अजीब सा होता है, पर उसका आंसर हमें लॉजिकली देना पड़ता है। तो आप में से किस किस ने इस सवाल का सही जवाब दिया था तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था तो उसका सही जवाब है जूते। इस सवाल का जवाब आप में से सभी लोगों ने सही दिया है, तो उनमें से उन 5 लकी विनर के नाम ये रहे। रेखा रानी, अतुल जैन, दिशा लाइफस्टाइल, दीपक शेट्टी, रजनी बंसीवाल। दोस्तों आप 5ों को मनोरंजन मसाला की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। तो भाई आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। दोस्तों आपके सामने दो पिक्चर आई है तो आपको बताना है कि इन दोनों पिक्चर में कुल कितने डिफरेंस छिपे हुए हैं। तो भाई फिर देरी कैसी, जल्दी से कमेंट करें और उन 5 लकी विनर में अपना नाम घोषित करें। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों आपके सामने एक पिक्चर आई है तो आपको बताना है कि यह कौन सा गाना है। यह गाना तो बहुत ही हिट है और आप सभी का फेवरेट है, तो ध्यान से सोचिए और जल्दी से इस गाने का नाम बताइए। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों पता चला क्या आपको कि वह कौन सा गाना है? नहीं पता? अरे यार वह गाना है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो दोस्तों यह गाना किस किस का फेवरेट गाना है? यदि आपको यह गाना पसंद हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों ऐसी 3 सब्जियों के नाम बताइए जिनके अंत में टर आता हो। तो भाई जरा सोचो सोचो कि वह कौन सी 3 सब्जियां हैं। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों क्या आपने सही गेस की क्या कि वह कौन सी 3 सब्जियां हैं? नहीं पता? अरे यार वह 3 सब्जियां हैं, टमाटर, मटर और कटर। दोस्तों कटहल को कटर भी कहते हैं। क्या आपने ये 3ों भी सब्जियां
सही गेस की थी क्या, तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए साल में।